हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आज हम इसमें जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे तो सबसे पहले हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया क्वेश्चन नंबर 18 का, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और उसके बाद हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया बैलेंस शीट का। बैलेंस फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद सबसे पहले हम जो कुछ बेसिक आइटम्स हैं उन बेसिक आइटम्स को लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा बेसिक आइटम है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो हमने यहाँ पर लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर सबसे पहले हमने लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। यदि हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है 44,840। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक 44,840। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट आइटम जो कि बेसिक आइटम्स हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हमने 44,840। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे परचेस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि परचेस कितनी है और साथ में परचेस रिटर्न भी दिया गया है क्या। यदि मैं फोकस करूं तो परचेस 128,295 है, और यदि मैं चेक करूं परचेस रिटर्न, तो क्वेश्चन में कोई परचेस रिटर्न नहीं दिया गया है। तो हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिख लिया टू परचेस, ठीक है। यदि मैं बात करूं परचेस की, तो वो दिया गया है 128,295। तो यहाँ पर हमने लिख लिया टू परचेस 128,295। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम अपना बेसिक आइटम सेल्स, ये देखेंगे कि कितनी सेल्स दी गई है। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन में, तो हमारी सेल्स 178,215 है। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लिया बाय सेल्स 178,000, ठीक है जी, 215 बाय सेल्स 178,215 मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा इसमें से सेल्स रिटर्न। और यदि मैं जाकर देखूं क्वेश्चन में, तो सेल्स रिटर्न दी गई है, रिटर्न दिलवा 2390 दी गई है, 2390, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने सेल्स लिख लिया 178,000, ठीक है, 178,215, और उसमें से माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न 2390। तो ये बचेंगे 1,75,825। ये माइनस करके बचे, मैंने इसमें से सेल्स में से माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न। इतनी बात क्लियर हो गई। यदि आप देखें तो यहाँ पर 5 पे 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 8 बचा, उसके बाद 7 में से 2 गए 5 7 और 1, तो 1,75,825 रुपीज यहाँ पर बच गए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने सबसे पहले अपने कुछ बेसिक आइटम्स लिखे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने परचेस लिख लिया, परचेस रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। उसके बाद क्रेडिट साइड में सेल्स लिख लिया 1,78,215 माइनस सेल्स रिटर्न 2390। तो इस तरह से माइनस करके बचे 1,75,825। इसके बाद हम कुछ अपना इधर लाइबिलिटी साइड में भी अपना बेसिक आइटम्स लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं। यदि आप क्वेश्चन पे फोकस करें तो कैपिटल दी गई है 59,700 रुपीज। तो हमारी कैपिटल कितनी दी गई है, कैपिटल दी गई है 59,700 रुपीज। एडजस्टमेंट में जाकर ये चेक कर लेते हैं कि कहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया गया है। यदि मैं एडजस्टमेंट में जाकर चेक करूं तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद जो भी बचेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमें ड्रॉइंग, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है क्या। यदि मैं चेक करूं तो ड्रॉइंग्स को दी गई है, ड्रॉइंग्स दी गई है 5275। तो मैंने माइनस कर लिए ड्रॉइंग्स माइनस कर लिए 5275, ये मैंने ड्रॉइंग्स माइनस कर दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया ड्रॉइंग्स 5275। इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में ये चेक कर लेते हैं कि कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
दी तो नहीं गई है। क्वेश्चन में क्या चेक करते हैं कि कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है दी गई है, ये एडजस्टमेंट में जाकर चेक करते हैं। यदि मैं एडजस्टमेंट में जाकर चेक करूं तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। ओके क्लियर है। इसके बाद मैं चेक कर लेता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस और इनकम, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स तो नहीं दिया गया है। यदि मैं क्वेश्चन में जाकर चेक करूं तो लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स नहीं दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यदि मैं क्वेश्चन में चेक करूं तो लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स नहीं दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। ये सभी चीजें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं। कहां पर फोकस करते हैं, अब हम एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं। चलिए एडजस्टमेंट पर आते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक इन शो ऑन 31 मार्च 2019। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 31 मार्च 2019 में। तो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हम दो जगह पर लिखते हैं यदि एडजस्टमेंट में होता है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहां पर जाकर मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 64,480। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी जगह पर ये क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में आएगा, दूसरी जगह पर ये क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में आएगा, उसे हम बाद में शो कर लेंगे। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक दिया था एडजस्टमेंट में, तो हमने उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो शो कर दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,480, लेकिन जो असेट्स में आएगा वो हम बाद में शो कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये कहा गया कि हाफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज ई रिकवरेबल। जो एक्स का बिल होगा उसकी आधी अमाउंट ई रिकवरेबल यानी नहीं मिलेगी। अपनी ट्रायल बैलेंस में जाएं, ट्रायल बैलेंस के पहले कॉलम में चौथा आइटम फोर्थ आइटम डेटर्स दिए गए हैं, और डेटर्स में कहा गया कि इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर्ड बिल, एक्स का बिल 1,000 रुपीज का है कह दिया। तो यदि आप अपनी ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट कॉलम में जाएं, तो जब आप अपनी ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट कॉलम में जाएंगे तो आप वहां पर जाकर देखेंगे कि डेटर्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, डेटर्स दिए गए हैं। डेटर्स में बिल कहा गया है एक्स का बिल 1,000 का है। अब आ जाइए एडजस्टमेंट पर। सेकंड एडजस्टमेंट ये कह रहे हैं कि आधी जो एक्स के बिल की अमाउंट है वो ई रिकवरेबल है, यानी एक्स के बिल की आधी अमाउंट नहीं मिलेगी, यानी ये आपका फर्दर बैड डेट्स है। एक्स का बिल कितने का था, 1,000 का। 1,000 का हाफ कर लें, यदि 1,000 का हाफ करेंगे तो 500 रुपए आ जाएंगे, यानी 500 रुपए फर्दर बैड डेट्स हैं। ओके, और उससे अगले पॉइंट में आपसे कहा गया कि आपको डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाना है। उससे अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया कि आपको डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाना है। ये आपका न्यू प्रोविजन है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यू प्रोविजन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा, असेट्स में जाकर डेटर्स लिख लीजिए। तो सबसे पहले असेट्स में जाकर आप क्या लिख लीजिए, असेट्स में जाकर डेटर्स लिख लीजिए। यदि हम बात करें असेट्स में जाकर डेटर्स की, तो डेटर्स कितने हैं, असेट्स में जाइए और असेट्स में डेटर्स हैं 30,000 रुपीज के। तो हमने असेट्स में जाकर डेटर्स के लिए 30,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो हमने सबसे पहले असेट्स में जाकर क्या लिख लिया, असेट्स में जाकर डेटर्स लिख लिए 30,000। उसके बाद हम एडजस्टमेंट पर आए और एडजस्टमेंट में हमें कहा गया फर्दर बैड डेट्स। ये कहा गया कि जो एक्स का बिल था 1,000 का वो आधा ई रिकवरेबल है, यानी आधा नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड फर्दर बैड डेट्स। तो 1,000 का हाफ कर दीजिए। जब आप 1,000 का हाफ करेंगे तो ये आपके 500 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके फर्दर बैड डेट्स हो गए। तो 30,000 से 500 माइनस कर दीजिए तो ये बचे 29,500 रुपीज। ओके, तो आपने क्या किया,
आपने डेटर्स लिखे 30,000, उसमें से माइनस कर दिए एफबीडी। समझ गए एफबीडी कहां से आए? एक्स का बिल 1,000 का था, आधा ई रिकवरेबल है, आधा हो गया 500 का, तो ये 500 रुपीज हमारे फर्दर बैड डेब्ट हो गए। तो ये आगे 29,500 रुपीज बचे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो न्यू प्रोविजन 5% बनेंगे वो बनेंगे इस पर 30,000 से, यहाँ तो फर्दर बैड डेब्ट से 500, लेकिन आप वो पूरे जो एक्स का बिल है डिसओनर्ड हो गया है, अस्वीकृत हो गया है, तो 1,000 नहीं मिलेंगे। तो 30,000 से 1,000 माइनस कीजिएगा, ये आपके 29,000 बचे, तो आप प्रोविजन इस पर बनाएंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या गलती कर देते हैं? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो प्रोविजन बनाते हैं वो प्रोविजन इस पर बना देते हैं 29,500 पर, वो प्रोविजन इस पर नहीं बनेगा 29,500 पर। क्लियर है बात? वो प्रोविजन इस पर नहीं बनेगा 29,500 पर, बल्कि वो प्रोविजन बनेगा 30,000 से टोटल 1,000 माइनस कीजिएगा, वो प्रोविजन बनेगा 29,000 रुपीज पर। इतनी बात क्लियर हो गई? तो प्रोविजन किस पर बनेगा? प्रोविजन बनेगा 29,000 रुपीज पर। ओके, तो अब हमें ये देखना है एडजस्टमेंट में कितने प्रोविजन कहे गए हैं। यदि मैं एडजस्टमेंट में चेक करूं तो एडजस्टमेंट में 5% प्रोविजन कहे गए हैं, तो हमें क्या करना है? 29,000 का 5% कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं बात करूं 29,000 के 5% की, ठीक है, तो मुझे किसका निकालना है? 29,500 का नहीं निकालना है, बल्कि 29,000 रुपीज का निकालना है। तो जब मैं 29,000 का 5% कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा 1450। कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1450। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि यहाँ पर जो हम प्रोविजन बनाएंगे वो हम प्रोविजन बनाएंगे इस पर, वो हम प्रोविजन बनाएंगे 29,000 पर, ना कि 29,500 पर। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप समझ गए बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती करते हैं क्या कि वो प्रोविजन बना देते हैं 29,500 का, नहीं बनेगा 29,000 का बनेगा। ओके, तो 29,000 का जब मैंने 5% कैलकुलेट किया तो यह आ गया 1450, तो इस तरह से आ गया 28,050 रुपीज। कितना बचा? 28,050 रुपीज बच गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस पे जाइए, ट्रायल बैलेंस पे जाकर ये देखिए कि बैड डेब्ट्स है क्या। बिल्कुल बैड डेब्ट्स है, ये चेक कीजिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है क्या। यदि मैं चेक करूं ओनली बैड डेब्ट्स दिया गया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब आप कैसे करेंगे देखिएगा, यहां पर आ जाएगा पीएनएल में, पीएनएल में जाकर यहां पर लिखिएगा टू बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। यदि आप ट्रायल बैलेंस पे जाकर फोकस करें तो ट्रायल बैलेंस पे बैड डेब्ट्स हैं 1810। ओके, तो आपने ट्रायल बैलेंस वाले जो बैड डेब्ट्स दिए हैं आपने वो लिख लिए टू बैड डेब्ट्स 1810। इतनी बात क्लियर हो गई? इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा फर्दर बैड डेब्ट्स, क्या ऐड कीजिएगा? फर्दर बैड डेब्ट्स। तो मैंने यहां पर ऐड कर दिए फर्दर बैड डेब्ट्स। यदि मैं बात करूं फर्दर बैड डेब्ट्स की, वो है 500 रुपीज। ओके, तो मैंने प्लस कर दिए फर्दर बैड डेब्ट्स। उसके बाद मैं ऐड करूंगा उसमें न्यू प्रोविजन। ओके, तो मैंने ऐड कर दिए न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने आए थे? 1450। ठीक है जी, इनका टोटल कर देता हूं। जब मैं इनका टोटल करूंगा तो आ जाएगा 3760। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ओल्ड प्रोविजन होते ट्रायल बैलेंस में तो वो माइनस कर देते, लेकिन नहीं है, तो बस आपने ये ऐड कर दिया बैड डेब्ट्स 1810 प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स 500 प्लस न्यू प्रोविजन 1450। तो इस तरह से ये ऐड होकर आ गए 3760 रुपीज। तो ये मेरा एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, ये मेरा एडजस्टमेंट सेकंड और थर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर फोकस करें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा गया कि वेजिस में 600 रुपीज इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। देखिए, आपने एक न्यू मशीन खरीदी थी, आपने क्या किया था? आपने एक नई मशीन खरीदी थी,
तो नई मशीन खरीदने में आपने 600 रुपए वेजेस के दिए उस नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, नई मशीन को लगाने के लिए। आपको पहले भी जर्नल एंट्री में रूल बताया गया था कि यदि असेट्स को खरीदने में आप कोई एक्सपेंस करते हैं, असेट्स को खरीदने के बाद उसको इंस्टॉल वगैरह करने में यदि आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो असेट्स की कॉस्ट में एड हो जाता है। लेकिन इस एडजस्टमेंट में क्या कहा गया कि न्यू मशीन के जो इरेक्शन एक्सपेंसेस थे आपने उन्हें वेजिस में मान लिया। थी तो वो जो नई मशीन को इरेक्शन करने से रिलेटेड थी, होने थी तो वो मशीन में ऐड, लेकिन आपने उसे गलती से वेजिस में ऐड कर लिया। तो अब इसे सही करने के लिए आप क्या करेंगे, वेजिस में से तो ये माइनस कर दिए जाएंगे 600 रुपीज, और मशीन में जाकर ये 600 रुपीज प्लस कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए इस एडजस्टमेंट को करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जाकर ये चेक करते हैं कि वेजेस कितनी है। यदि मैं ट्रायल बैलेंस में जाकर वेजेस चेक करूं तो वो है 20,485। तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर वेजेस लिखी, वेजेस लिखी 20,485। ओके, माइनस, तो मैंने वेजेस लिखी 20,485 माइनस कर दिए मशीन, हमने जो मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हैं 600 रुपीज, वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे वो आ जाएंगे 19,885। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने जो वो मशीन इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस किए थे वेजिस में ऐड कर लिए थे, गलती से होने थे मशीन में ऐड, तो जाकर मशीन में वेजिस में से तो हमने माइनस कर दिए, माइनस मशीन लिखकर 600 रुपीज। और उधर जाकर असेट्स में, असेट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मशीन। एक बार चेक कीजिए ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाकर कि मशीन कितनी है। यदि मैं ट्रायल बैलेंस में जाकर फोकस करूं तो ट्रायल बैलेंस में मशीन दी गई है, ट्रायल बैलेंस में यदि मैं जाकर फोकस करूं तो मशीन दी गई है 14,400 रुपीज। तो मैंने यहां पर मशीन ले लिया 14,400 प्लस, ठीक है ना, प्लस न्यू मशीन से रिलेटेड जो हमने वेजेस दी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे 600 रुपीज। तो ये हो गया 15,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यदि आप देखें वेजेस में से तो जाकर, क्योंकि मशीन को इरेक्शन करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो मशीन में वेजेस में से तो जाकर आपने 600 रुपीज माइनस कर दिए। और जब आपकी वहां पर मशीन जो असेट्स में मशीन लिखी आपने 14,400 रुपीज, उसमें जाकर प्लस कर दिए, क्योंकि मशीन को इंस्टॉल करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। तो वेजेस से वेजेस 20,485 से 600 माइनस कर दिए तो ये बचे 19,885। और जाकर असेट्स में जो मशीन थी 14,400 रुपीज की, उसमें हमने न्यू मशीन के 600 रुपीज प्लस कर दिए, तो ये प्लस करके आ गए 15,000 रुपीज। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं। यदि हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर फोकस करें तो आप देखेंगे कि हमसे कहा गया मशीन पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है और फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन मशीन पर कैलकुलेट करता हूं। माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन मशीन पर, ये कहा गया कि मशीन पर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इस 15,000 का 5% कैलकुलेट करते हैं, तो जब मैं इस 15,000 का 5% कैलकुलेट करूंगा तो ये 750 रुपीज आ जाएगा। और 15,000 से 750 माइनस किए तो 14,250 आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने 15,000, हमारी मशीन कितनी की है 15,000 की, माइनस डेप्रिसिएशन कर लिया, इस 15,000 का 5% कैलकुलेट कर लिया। जब मैं 15,000 का 5% कैलकुलेट करूंगा तो ये 750 रुपीज आ जाएगा। और 15,000 से 750 माइनस कर दिया तो ये आ गए 14,250। दूसरी जगह इस डेप्रिसिएशन को मैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, क्या लिख दिया, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 750 रुपीज मैंने लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमसे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है फर्नीचर पर, कि हमें फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है।
तो जाकर ऊपर ट्रायल बैलेंस में फोकस करें कि हमारे फर्नीचर कितने हैं। यदि मैं ट्रायल बैलेंस में जाकर देखूं तो फर्नीचर है हमारे 4480, तो मैंने असेट्स में लिख दिया फर्नीचर 4480 माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, हमें डेप्रिसिएशन कहा गया कि फर्नीचर पर हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इस 4480 का 10% 448 आ गया। ओके, इस तरह से हमारा रिमेनिंग बचा 4,432 रुपए। 4480 से जब मैंने 448 माइनस कर दिए भाई, इसका 10% निकाल लिया, 4480 का 10% 448, तो 4480 से मैंने 448 माइनस किया तो 4032 रुपीज हमारे बचे। दूसरी जगह पर ये डेप्रिसिएशन पी एंड एल के डेबिट में आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या लिख दिया? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। यदि मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की तो ये 448 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये कितना गया 448। इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो आगे चलें। तो इस तरह से ये हमारे एडजस्टमेंट हो गए। लास्ट वाला एडजस्टमेंट बचा है। लास्ट वाले एडजस्टमेंट में कहा कि कमीशन में 300 रुपीज कमीशन रिसीव इन एडवांस है, यानी जो हमने कमीशन रिसीव किया है उसमें 300 रुपीज हमने कमीशन एडवांस रिसीव कर लिया है, यानी अनअर्न्ड कमीशन। ओके, ये तो अब हम कैसे करेंगे? पी एंड एस में ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें, दूसरे कॉलम में कमीशन रिसीव दिया गया है, तो मैंने इसे पी एंड एल के क्रेडिट साइड में लिख लिया बाय कमीशन रिसीव। ये कमीशन रिसीव दिया गया है 2820 माइनस, उसके बाद एडजस्टमेंट में कहा गया कि हमने 300 रुपीज कमीशन जो रिसीव किया है वो एडवांस रिसीव किया है, तो माइनस कर दिया मैंने अनअर्न्ड कमीशन। क्या माइनस कर दिया? अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है जी, ये हमने एडवांस में रिसीव किया तो उसे अनअर्न्ड बोलते हैं। 300 रुपीज मैंने माइनस कर दिए तो ये बचे 2520। इसके बाद ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में जाकर मैंने यहाँ पर शो कर दिया अनअर्न्ड कमीशन। ये अनअर्न्ड कमीशन कितना है? ये अनअर्न्ड कमीशन 300 रुपीज है। तो यहाँ तक हमारे क्लियर हो गया? तो ये माइनस, ये हमने लाइबिलिटी साइड में जाकर लिख दिया अनअर्न्ड कमीशन 300 रुपीज। यहाँ तक आपके क्लियर है? ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर अनअर्न्ड कमीशन शो किया लाइबिलिटी साइड में 300 रुपीज। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे सारे एडजस्टमेंट क्लियर हुए। एक ऊपर एडजस्टमेंट हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, देखिएगा। ये कहा गया सेकंड कॉलम में जाइए, लोन एट द रेट 8% है, पर एनम है, यानी हमारा लोन 10,000 रुपीज का है, उस पर 8% के रेट से इंटरेस्ट देना है, तो ये 800 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। और यदि आप पहले कॉलम में नीचे से चौथा आइटम जाकर देखें तो इंटरेस्ट ऑन 500 रुपए हमने इंटरेस्ट पे किया है, टोटल इंटरेस्ट तो है 800 रुपए का, और बता दिया कि 500 रुपए इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है। कितना इंटरेस्ट पे किया है? 500, तो 800 का इंटरेस्ट है, 500 पे किया, यानी 300 आउटस्टैंडिंग है। 300 क्या है? 300 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी साइड में जाकर लोन शो कर दीजिए। ये जो लोन लिया है हमने, ये लाइबिलिटीज है हमारे लिए, तो लाइबिलिटी साइड में जाकर हमने 10,000 रुपीज लिख लिए प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना देना बाकी है? 300, तो 10,300 हमारा लाइबिलिटीज में हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से हमने क्या किया, 10,000 का सबसे पहले 8% कैलकुलेट किया। जब मैं 10,000 का 8% कैलकुलेट करूंगा तो 800 रुपीज का इंटरेस्ट आया, लेकिन यदि पहले कॉलम में जाकर देखे तो हमने 500 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, 800 रुपए का इंटरेस्ट आया और 500 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। कितना इंटरेस्ट पे करना बाकी है? 300 रुपए का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, तो अब आपने क्या किया, पहले लाइबिलिटीज साइड में गए, लोन है, लोन हमारे लिए लाइबिलिटीज है, जाकर लाइबिलिटी साइड में लोन लिख लिया 10,000 का और उसमें हमने आउटस्टैंडिंग कर दिया 300 रुपीज, तो आगे 10,300। दूसरी जगह पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो पी एंड एल के डेबिट साइड में जाकर इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन था 500 पे किया प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना देना बाकी है? 300, तो ये टोटल हमने यहाँ पर 800 रुपए शो कर दिया इस तरह से। ठीक है जी, तो
तो यहाँ पर ये आपको इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो लाइबिलिटी साइड में जाकर लोन लिखा 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कर दिया 300 रुपीज, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, इधर पी एंड एल के डेबिट साइड में जाकर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा 500 प्लस आउटस्टैंडिंग कर दिया 300 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये हमने अपने एडजस्टमेंट सारे कर लिए, जितने भी एडजस्टमेंट दिए थे। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक कि आप क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया होगा इस वीडियो को देखकर। थैंक यू।